आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सब लोग अभी हाल में चक्रवात दाना के बारे में बहुत सुन रहे होंगे। सभी के सभी साथी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये चक्रवात दाना है क्या, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे ये नाम आपके रखे जाते हैं, कौन से क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा और क्या है बचने के उपाय, कैसे ये नाम रखने की परंपरा आपकी शुरुआत हुई, इन सभी बातों को हम सब लोग देखेंगे। ठीक है भाई, आप सभी लोग जो भी साथी सेशन को देखेंगे, जब भी देखेंगे, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी भारत में पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले कोई भी जो मनुष्य है उस तक इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने जीवन में सतर्कता बरत सके। और अपना फीडबैक इस सेशन के नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज की ये बात। सबसे पहले आप सब लोगों को अचानक से सब जगह पे दाना दाना सुनने को मिल रहा है। ओडिशा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, बहुत सारे अलग अलग आपके 5 से ज्यादा राज्यों को ये आपके एक तरीके से ये अलर्ट आपके जारी किया गया है कि वहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत आपको बताई गई है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी कहीं कहीं आपको रोका गया है, कैंसिल भी आपको किया गया है। हम ये भी समझेंगे कि चक्रवात होता क्या है। देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से, देख लीजिए चक्रवात कितना खतरनाक होता है और इससे जानमाल से लेकर के संसाधन से लेकर के बहुत सारी चीजों की हानि आपकी होती है। साइक्लोन दाना के बारे में जब हम बात करते हैं, साइक्लोन दाना की हवा की जो रफ्तार है 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है IMD उसके अकॉर्डिंग ओडिशा में 24 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। 24 अक्टूबर तक, तो इसके रफ्तार को देख लीजिए कि ये जो आपके साइक्लोन दाना है, जो चक्रवात दाना है, उसकी रफ्तार आपकी 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुमान यह है कि 24 अक्टूबर तक ये ओडिशा में जाकर के भारी वर्षा आपको करेगी। ये वाला जो क्षेत्र आपके है भारत में, ये वाला जो क्षेत्र है, और आपको दिख रहा होगा कि ये ओडिशा वाला क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रभावित आपको बता रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से ये इमर्ज हुआ है और ये ओडिशा होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए झारखंड और बिहार के कुछ इलाके को प्रभावित करने की आशंका इससे आपको जताई जा रही है। तो इस वाले क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये दाना का मतलब क्या होता है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया। तो जब तूफान दाना के बारे में बात करें, सऊदी अरब ने नाम दिया है। इस दाना का मतलब क्या होता है, दाना का मतलब होता है उदारता से संबंधित होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा होता है तो उसे एक विशेष नाम देना होता है। समझ गए आप सब लोग, अगर किसी आंधी की गति, किसी तूफान की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होता है तो उस तूफान को एक विशेष नाम देना होता है। लेकिन वो नाम ऐसे नहीं दिया जा सकता है, उसकी अपनी एक स्थिति होती है, उसका अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। कैसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, इस बार किसकी बारी थी, उन सभी चीजों को अभी हम पढ़ेंगे। यही तूफानी हवा अगर 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है या अगर वो पार हो जाती है, तो देख लीजिए आप लोग दो, अगर 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी तब क्या बोला जाएगा भाई, उस आंधी को एक विशेष नाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही आंधी 137 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे पार पहुंच जाती है तब उसको क्या बोला जाता है भाई, चक्रवाती तूफान कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां तक की बात बहुत बढ़िया। अब ये देखो, यहां से 21 अक्टूबर को यहां से ये जो आपके दाना है इसका उद्भव हुआ, और उसके बाद 23 अक्टूबर को ये देखिए बंगाल की खाड़ी होते हुए, अभी 24 अक्टूबर को ओडिशा, तो देख रहे हैं ओडिशा, फिर किसको प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल। अब यहां पे आप सब लोग जो देखोगे, यहां पे जो देखोगे, जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे भितरकनिका नेशनल पार्क आपको दिखाई देता है, धामरा पोर्ट दिखाई देता है, तो ये यहां से इस तरीके से इसका गति है। अब आगे ये कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे 5 से ज्यादा राज्यों की गति इसमें बताई गई है कि यहां से यहां तक, तो देख लीजिए ये दाना का आपके रूट आपको दिखाई देता है। समझ गए आप सब। अब समुद्र में उठने वाले जो तूफान है,
जो साइक्लोन है वो तबाही मचाते हैं और आपकी नेचुरल डिजास्टर भी लाते हैं। इनके आने से जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। समुद्री तूफान आने से जो आपके तटीय इलाके होते हैं, जो कोस्टल आपके इलाके होते हैं, जहां पे तूफानी हवाएं चलती है, वही भारी से भारी बारिश होती है। वैसे तो जो समुद्री तूफान है मई जून के महीने में एक्टिव होते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण, ये जलवायु परिवर्तन के कारण, अब समुद्री तूफान सितंबर अक्टूबर के महीने में भी एक्टिव होने लगे। आमतौर पे इनका कब एक्टिव होने का समय होता है, मई जून का, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अब ये समय आपके फिक्स नहीं रहा, अब ये आपके सितंबर अक्टूबर में भी आपके हो जाते हैं। अब सवाल ये बनता है, तो दाना के बारे में आप लोग समझ गए, सवाल ये बनता है कि ये समुद्र मिश्र चक्रवाती तूफान बनता कैसे है? और समुद्र के तूफान को चक्रवाती तूफान कैसे कहते हैं, इसके बारे में तो ये सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। जो चक्रवाती तूफान है, अगर हम चक्रवाती तूफान के बारे में बात करें, तो चक्रवाती तूफान गर्मियों के आते ही आपके शुरू हो जाते हैं, मई जून का मैंने महीना बताया। समुद्र में इक्वेटर के पास, इसका मतलब क्या है, इक्वेटर जीरो डिग्री के पास, जब आपके टेम्परेचर यानी सूर्य की गर्मी आपकी बढ़ती है, तो समुद्र का जो पानी है 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है और इसके चलते क्या बनता है, वेपर बनता है। और जो गर्म हवा है, जब हवा गर्म होगा तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, लाइट हो जाता है और वो उठने लगता है, और ऊपर की जो नमी है वो वाष्प से मिलकर के बादल बनाती है। तो जब गर्म हवा उठती है वहां पे एयर प्रेशर जो है वो आपके क्षेत्र बनता है, वायु दाब का क्षेत्र बनता है। गर्म हवा के तेजी से उठने पर नीचे का जो आपका वैकेंट स्पेस होता है, खाली जगह होता है, वो आपके ठंडी हवा से तेजी से भरने लगता है। इससे हवा जो है आपके चक्कर काटने लगती है, चक्कर काटने लगती है, और नमी से भरे बादल भी आपके घूमने लगते हैं, और इससे क्या उठता है, तूफान। गर्मी और नमी जितनी ज्यादा होती है, तूफान उतना ही खतरनाक होता है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करते हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं, तो तूफान जो है वो लेफ्ट की तरफ आपके घूमते हैं, बाई ओर घूमते हैं। और दक्षिणी अगर हम गोलार्ध में जब हम बात करते हैं, तो जो आपके तूफान है वो राइट ओर आपके घूमते हैं, यानी दाएं तरफ घूमते हैं। इस तरीके से तो तूफान क्यों चक्रवात का परिवर्तन लेता है, चक्रवात कैसे बनता है, ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब तूफान को नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। इसीलिए तो जब 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार हो गया तो उसको स्पेसिफिक एक नाम देना पड़ेगा। तो नियम यह बनाया गया है कि जब किसी तूफान या आंधी की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको ज्यादा होगी तो उसे नाम देना जरूरी होता है। अब अलग अलग देश है और अलग अलग समुद्र में उठने के कारण तूफान की पहचान के लिए भी इनको नाम देना जरूरी होता है कि ताकि आपको पहचान सके। अब जब ये दाना तूफान के बारे में बात करते हैं, तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो बंगाल की खाड़ी में ये आपके चक्रवाती तूफान आपके उठा है, और ये सऊदी अरब ने ये नाम आपको दिया है दाना। दाना क्या भी एक अरबी शब्द है और हिंदी में इसका मतलब होता है अनमोल उपहार या उदारता। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में बात करें तो दाना का मतलब होता है दानव यानी राक्षस, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसका मतलब होता है दानव या राक्षस, लेकिन जब आप अरबी भाषा में देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, उदारता। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिखाई देगा, यहां से ये देख लो इसका साइक्लोन का, ये भुवनेश्वर आपको दिखाई देता है पूरे तरीके से, और ये सबसे ज्यादा ये आपको सेंटर के तौर पे, इसीलिए ओडिशा में भारी बारिश की संभावना आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बताई जा रही है। तो सऊदी अरब ने दिया है, और दाना क्या भी एक अरबी शब्द है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, जो WMO है, एक है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एक है आपके भारतीय मौसम विज्ञान संगठन। दाना का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था, तो यह सजेस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो कतर ने इसको सजेस्ट किया था। दाना मैंने आपको बता दिया कि उदारता, दाना या दाना अरबी संस्कृति में सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसका अर्थ है सबसे सही आकार का, मूल्यवान और सुंदर मोती। अब ये देख लीजिए, इस तरीके से समुद्र में है,
तो इस तरीके से ये आपके चक्कर आपके लगाता है और जो भी तटीय जो इलाके होते हैं उसको ये प्रभावित करता है। भारत के किन इलाकों में होता है साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा? तो देखो भारत में ये 9 राज्य है, महाराष्ट्र की बात करें, जब हम गुजरात से शुरू करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो 9 राज्य है तटीय राज्य। 7500 किलोमीटर से ज्यादा इनके समुद्र तट की लंबाई है और इनमें से 76% सुनामी के खतरे वाले इलाके हैं। तो ये जो रेड वाला जो आपको दिखाई देता है, जो रेड जो दिखाई देता है वो सबसे ज्यादा खतरा आपको दिखाई देता है, और जो येलो वाला दिखाई देता है यहां पे भी खतरा है लेकिन मध्यम यानी मीडियम खतरा आपको दिखाई देता है, मीडियम डेंजर आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखिए हवा की स्पीड से मैंने बताया कैटेगरी में अगर आपसे बात करें तो अगर आप ब्लैक कलर में देखोगे तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हवा की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में यानी कम माना जाता है खतरा जब 119 से 153, लेकिन विनाशकारी माना जाता है जब इस चक्रवात का स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये नाम रखा कैसे जाता है, ये नाम रखा कैसे जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चक्रवात का अलर्ट जैसे ही जारी होता है तो सभी देश उस चक्रवात के लिए एक एक नाम भेजते हैं। ये जितने भी नाम है उनकी लिस्ट आपके WMO एक जारी संस्थान एक जारी करके सुझाव मांगे जाते हैं। जिस एक नाम पर सबसे ज्यादा देशों की सहमति बनती है उस नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। WMO या SCAP विश्व मौसम विज्ञान संगठन या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के द्वारा 2000 में चक्रवाती तूफानों को नाम देने की परंपरा शुरू करी, यानी सन 2000 से नाम देने की चक्रवाती तूफानों को एक परंपरा आपकी शुरू हुई। अब आपके मानक क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नाम रख दिया जाएगा। चक्रवातों के लिए बनाए गए जो मानक है उनके अनुसार ही नाम रखे जाते हैं, राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक और लिंग आधारित तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए चक्रवाती तूफानों के नाम रखे गए हैं। नाम रखते समय ध्यान रखा जाता है किसका संबंध किसी जाति धर्म या किसी समुदाय से आपके ना हो। देख लीजिए कितनी सतर्कता रखी जाती है, नाम से किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावना आपके आहत ना हो। तूफान का नाम किसी राजनीतिक धार्मिक सामाजिक या अन्य क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मोदी जी के नाम पे तूफान रख दिए, ये नहीं कि आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो नाम तय करते वक्त इन नियमों का आपको ध्यान रखना होता है। देशों को चक्रवात का नाम तय करने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होता है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नाम किसी भी राजनीतिक हस्ती धार्मिक या किसी विवादास्पद प्रकृति की किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। पसंद में आ गया आप सब लोगों को? इसके बारे में आप सब लोगों को शुरुआती दौर में केवल 8 देशों ने इस प्रक्रिया में आपके पार्टिसिपेट किया था, बांग्लादेश भारत मालदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन 2018 में 5 और देश इसमें जुड़ गए। कौन कौन से जुड़ गए? ईरान कतर सऊदी अरब UAE और यमन भी इस लिस्ट में जुड़ गए, यानी ये लोग भी अब नाम रखने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाषण में आगे तो अप्रैल 2020 में 169 चक्रवात के नाम की सूची आपको जारी की गई थी, नाम की सूची आपको जारी की गई थी। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। नाम की सूची जारी की गई थी और प्रत्येक देश ने 13 नामों के सुझाव दिए थे। इन 13 नामों में से जिसे को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है वही नाम चक्रवाती तूफान को दे दिया जाता है। अब देखिए इस समय अलर्ट आपके रहता है पूरे तरीके से, जो तटीय इलाके होते हैं उसको आप सब लोग देख सकते हैं। तो बात समझ में आ गया आप सब लोगों को? तो यहाँ पे 13 देशों के सुझाव होते हैं, उसमें से तो 2 महीनों में भारतीय तट पर आने वाला दूसरा चक्रवाती तूफान होगा दाना। इससे पहले अगस्त के अंत में कौन आया था भाई? एक और तूफान आया था, उसका नाम क्या था? असना। आपका होमवर्क है कि असना जो नाम है वो कौन से देश के द्वारा दिया गया था, अब जरूर आप लोग बताइएगा। और सबसे पहला जो नाम 2004 में
नाम देने की शुरुआत हुई तो सबसे पहला अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से बांग्लादेश को यह मौका मिला, यानी बारी बारी से यह मौका मिलता है, जो 13 देश है उसमें अल्फाबेट के हिसाब से तो बांग्लादेश को मिला। तो बांग्लादेश ने पहला नाम ओनील आपको नाम दिया था, उसके बाद जो भी नाम आए अम्फान के बाद ये नाम आपके समाप्त हो गए हैं। अभी ना फिर ऊपर से शुरू किया जाएगा। तो भारत ने इस सूची के लिए कौन कौन से भाई, अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर और वायु, ये सारे के सारे नाम आपको सजेस्ट किए थे। और उम्मीद करी जाती है कि हमारे देश के सजग लोग इस परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए अपने आप को सुरक्षित इलाके में रखेंगे, अपने आप को ऐसे डेंजर में डालने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उम्मीद करी जाती है। और हम इस सेशन के माध्यम से उम्मीद भी करते हैं कि जब भी इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में बने तो उस क्षेत्र के इलाकों में, या चाहे टूरिस्ट हो या वहां के लोकल हो या फॉरेनर हो या कोई भी हो, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे आपके स्थिति में अपने जान को खतरा में ना डालें। अब मान लीजिए कि आंधी तूफान का अलर्ट होने पर 7 बातों का आपको ध्यान रखना होता है। आंधी आने पर बिना वजह घर से बाहर आप न निकले, यानी कि ब्लॉग बनाने के लिए निकल गए, सेल्फी लेने के लिए निकल गए, शॉर्ट्स बनाने के लिए निकल गए, घर पर अपने पास टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस का स्टॉक रखें, अगर बाहर आपके फंस गए हैं तो किसी सेफ जगह पर रुक जाए, जल्दीबाजी ना करें। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि पानी का प्रवाह बहुत तेज है, बाइक बीच में लेकर के जाते हैं उसी में बह जाते हैं, बिजली उनके ऊपर गिर जाती है, वो समुद्र की लहरों की चपेट में आ जाते हैं, कोई बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है, कोई खंभा उनके ऊपर गिर जाता है, तो सेफ जगह पे रुक जाए। किसी भी तरीके के मेटल या बिजली के सामान को ना छुए, लंबे पेड़ दीवार या बिजली का खंभे के आसपास न खड़े हो क्योंकि गिर जाएगा, गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क करे जहां उड़ती हुई चीज आने का कोई भी आपको रिस्क ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट, पुरानी और जर्जर इमारतों के पास आप खड़े ना हो, ऐसी उम्मीद आपसे करी जाती है। तो हमें लगता है कि आज के इस सेशन के माध्यम से मैंने बहुत डिटेल में चीजों को डिस्कशन किया। आप सब लोग इस सेशन को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करना, फीडबैक अपना जरूर देना ताकि ऐसे ही अपडेट आपके बीच में मैं लाता रहूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भारत के एक एक व्यक्ति तक इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि ताकि वो सतर्कता बरत सके। हमारा काम है ऐसे मुद्दों के ऊपर अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना और उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।